नमस्कार, मैं शारदा खन्ना राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको AICTE के बारे में बताने जा रही हूँ। AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है। भारत में नई तकनीकी संस्थाएं शुरू करने, नए पाठ्यक्रम को शुरू करने और तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश क्षमता में फेरबदल करने के लिए ये अनुमोदन देती है। ये एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना 1945 में एक सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी। इसके बाद में संसद के अधिनियम द्वारा 1987 में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था। शॉर्ट में इसे ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो छोटा नाम है वो AICTE है। इसकी स्थापना नवंबर 45 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके और क्षेत्रीय कार्यालय भी है, वो कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, बड़ोदरा, चंडीगढ़, गुवाहाटी, भोपाल, बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव में हैं। इनके जो अध्यक्ष हैं वो अनिल शास्त्र बुद्धे हैं। इसका मेन उद्देश्य उच्चतर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसका नेटवर्क है www.aict.india.org। इसकी दिल्ली में इसके जो मुख्य कार्यालय हैं उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव के कार्यालय हैं। कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल और बेंगलोर में इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। हैदराबाद में एक नया इसका क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया है। ये तकनीकी संस्थाओं के पाठ्यक्रम में तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता विकास को सुनिश्चित करती है। इसकी विनियामक भूमिका के अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक बढ़ावा देने की भी भूमिका है, जिससे वे तकनीकी संस्थाओं को अनुदान देकर महिलाओं और विकलांगों और समाज के कमजोर वर्ग के लिए तकनीकी शिक्षा का विकास, संकाय, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं के माध्यम से भी कार्यान्वित करती है। परिषद 21 सदस्यों वाली कार्यकारी समिति के माध्यम से अपना कार्य करती है। 10 संवैधानिक अध्ययन बोर्ड द्वारा सहायता प्राप्त है, जो कि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च, मैनेजमेंट, वोकेशनल, टेक्निकल एजुकेशन, वास्तुशास्त्र, होटल प्रबंधन, कैटरिंग प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, टाउन एवं कंट्री प्लानिंग परिषद की सहायता करते हैं। तकनीकी पाठ्य पुस्तक पुरस्कार योजना भी है। तकनीकी विषयों की उत्कृष्ट स्तर की मूल पुस्तकें तथा अनुदित पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से परिषद हिंदी में तकनीकी विषयों पर लिखी गई पांडुलिपियों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता भी देती है। इस योजना के अंतर्गत परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित विषय एवं इंजीनियरिंग व इंफॉर्मेशन या कंप्यूटर साइंस या होटल मैनेजमेंट एवं वास्तुकला, नगर व ग्राम आयोजना प्रबंधन, फार्मेसी तथा राष्ट्रीय कौशल ढांचा NSQF आदि पर कई सालों से 5 वर्ष की डिग्री, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ITI टेक्नीशियन स्तर पर हिंदी भाषा में प्रकाशित मौलिक या अनुदित पाठ्य पुस्तक पर पुरस्कार के लिए भी अनुमोदित करती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हिंदी में उपयुक्त विषयों में उत्कृष्ट पाठ्य पुस्तक लेखन तथा हिंदी में अनुवाद को बढ़ावा देना है और तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में आधुनिकतम ज्ञान हिंदी में उपलब्ध कराने के लिए लेखक और तकनीकी विषयों के अनुवादकों को प्रोत्साहित करती है। आज की तारीख में AICTE द्वारा ऑनलाइन फ्री में कई कोर्सेज चालू किए गए हैं, जिन्हें आप लॉकडाउन के दौरान अपने विषय से संबंधित कोर्स करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सभी लोग लॉकडाउन के दौरान घर में सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के दौरान सीखना बंद नहीं करना चाहिए। कई कंपनियां
ऐसे हैं जो कि अपने पाठ्यक्रम हैं उनको फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं। उनमें से AICT भी निःशुल्क लर्निंग प्रदान कर रहा है। AICT में UPSC, IBPS, GATE, UGC NET, बैंक एग्ज़ाम, डिजिटल मार्केटिंग, इंजीनियरिंग से संबंधित कोर्सेज हैं जो कि आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। इसमें जो विद्यार्थी इच्छुक है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसका मेन उद्देश्य है adhyan@home। इसकी साइट है freeaict.india.org। पर क्लिक करके हम अपने पाठ्यक्रम के विवरण के बारे में जान सकते हैं और अपने से संबंधित या अपने इच्छा अनुसार के पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम पाठ्यक्रम का चयन कर लेते हैं, उसका विवरण देख लेते हैं और लर्न फॉर फ्री में क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में हमारी ईमेल या आईडी या फ़ोन नंबर पर पाठ्यक्रम की हमें जानकारी मिलने लग जाती है। इसमें बैंकिंग है, सिविल सर्विसेज है, कॉरपोरेट है, आईटी सेक्टर है की नौकरी से संबंधित भी तैयारी कर सकते हैं। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारा जा सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। गेट के एग्ज़ाम के लिए इसमें 100 से भी अधिक वीडियोस हैं। UPSC प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम्स के लिए भी इसमें बहुत अधिक मात्रा में मैटर है। आर स्टूडियो के साथ में लर्निंग मशीन लर्निंग में डिप्लोमा किया जा सकता है। यहाँ से आर का उपयोग करके डेटा एनालिटिक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। बिग डेटा 101, जावा प्रोग्रामिंग, मैटलैब, मशीन लर्निंग, GUI, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित भी इसमें पाठ्यक्रम है। थैंक यू।